हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर। फ्रेंड्स, आज हमारा जो वीडियो का टॉपिक है यह स्लम्प और स्लम्प वैल्यू। इससे पहले के वीडियो में हम ऑलरेडी स्लम्प वैल्यूज, वर्कएबिलिटी, कंक्रीट और इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप इनके बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज प्रोवाइड कराता है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर फॉर नॉन टेक्निकल और टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए, और आप ये कोर्सेज 7 to 30 days के अंदर हमारे यहाँ से कर सकते हैं, लाइक क्वांटिटी सर्वेइंग, लैंड सर्वे, स्ट्रक्चर डिजाइनिंग, QA/QC, फायर एंड सेफ्टी एंड मैनी मोर सॉफ्टवेयर कोर्सेज। फ्रेंड्स, बात करते हैं स्लम्प की, तो स्लम्प को एक बार और रिवाइज कर देते हैं। व्हाट इज स्लम्प? स्लम्प इज अ टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ अ फ्रेश कंक्रीट बिफोर इट सेट। मतलब एक कंक्रीट के सेट होने से पहले हम एक नया तैयार कंक्रीट की कंसिस्टेंसी को फाइंड आउट करने को स्लम्प कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं इस वीडियो में। जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ये एक स्लम्प जो है हमारा कोन है, और इस कोन के बारे में बताया था कि नीचे के जो डायमीटर होता है 200 mm का होता है, अपर डायमीटर 100 mm का होता है, हाइट 300 mm होती है, और इसके जो वेरियस पार्ट्स होते हैं वो है बेस प्लेट, ये फुट रेस्ट है, हैंडल है, और स्टिल स्लम्प कोन है। साथ में इसके फ्रेंड्स आती है हमारी टैपिंग रॉड। फ्रेंड, टैपिंग रॉड का जो डायमीटर होता है वो है 15 to 16 mm डायमीटर, और इसकी जो लेंथ होती है 160 mm होती है। करते हैं स्लम्प टेस्ट के अंदर, और फ्रेंड्स इसके साथ में हम इंची टेप का यूज करते हैं। अगर हमारे पास टैपिंग रॉड नहीं है तो इंची टेप भी यूज करते हैं फॉर मेजरिंग स्लम्प वैल्यू। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं आगे हम लोग। तो स्लम्प वैल्यू जो है फ्रेंड्स, किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, मींस फैक्टर विच अफेक्ट स्लम्प वैल्यू। द फर्स्ट वन इज वाटर सीमेंट रेशियो, सेकंड इज एग्रीगेट साइज एंड शेप, थर्ड इज एडमिक्सचर्स। तो फ्रेंड्स, ये तीन फैक्टर है विच अफेक्ट स्लम्प वैल्यू। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं कि हमारे जो हमारे शेप्स होते हैं स्लम्प की, हम कैसे पता करें कि ये किस टाइप का स्लम्प है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो शेप्स होती है, अगर ये हमारा कोन है और हमारे जो स्लम्प है उसका जो शेप बन रहा है वो अगर इस टाइप से बन रहा है, फ्रेंड्स ये हमारा स्लम्प हम लोग यहां से मेजर करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये हमारा स्लम्प है तो ये है हमारा ट्रू स्लम्प। उसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा अगर हमारा ये अगेन ये हमारा कोन है और उसमें हमारा जो शेप आ रहा है फ्रेंड्स वो इस टाइप से आ रहा है, तो फ्रेंड्स हम इसके मिडिल पे हम अपनी शेयर जो है स्लम्प को चेक करते हैं, और ये हमारा शेयर स्लम्प। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड जो बनता है इसको हम कहते हैं फ्रेंड्स कोलैप्स स्लम्प। तो फ्रेंड्स, ये तीन टाइप से हमारे शेप्स बनती है जिनमें हम इनको कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट इज ट्रू स्लम्प, शेयर स्लम्प एंड कोलैप्स स्लम्प। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे आती है बारी कि स्लम्प जो वैल्यूज होती हैं वो कैसे होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी स्लम्प वैल्यू 0 to 25 के अंदर है तो इस वेरी लो, अगर 25 to mm में है फ्रेंड्स, 25 to 50 mm है इस लो, अगर 50 to 100 है तो इस मीडियम, और 100 टू 175 है तो इस हाई। फ्रेंड्स, इनके बेस पे हम लोग कैटेगराइज करते हैं अपनी स्लम्प वैल्यूज स्लम्प को, कि हमारा स्लम्प अगर वैल्यू जो हम लोग इंडी टेप में नापते हैं तो अगर हमारा वैल्यू 0 to 25 के अंदर है तो वेरी लो है, 25 to 50 में है तो लो है, 50 to 100 है तो मीडियम है, और 100 to 175 के बिटवीन है तो इस हाई। अब फ्रेंड्स, हम जो कंक्रीट को कैटेगराइज करते हैं उसके बाद इनको हम लोग लिखते हैं अनवर्केबल
कंक्रीट। उसके बाद आता है फ्रेंड्स मीडियम वर्केबल कंक्रीट। उसके बाद आता है फ्रेंड्स हाईली वर्केबल कंक्रीट। अनवर्केबल कंक्रीट क्या होता है फ्रेंड्स? ये है जिसमें कि हाई सेग्रीगेशन होता है, तो इसको जो है हम लोग कहते हैं अनवर्केबल कंक्रीट। और इसकी जो फ्रेंड्स जो होमोजेनिटी प्रॉपर्टीज है वो लॉस होने का बहुत ज्यादा चांस होता है, तो इसको कहते हैं हम फ्रेंड्स अनवर्केबल कंक्रीट। उसके बाद आता है फ्रेंड्स मीडियम वर्केबल कंक्रीट। इट इज अ गुड कंक्रीट, तो इसकी जो 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 सेग्रीगेशन है जो प्रॉपर्टीज है इट इज वेरी इजी टू प्लेस और ट्रांसपोर्ट और कॉम्पैक्ट। इसमें जो फ्रेंड्स है सेग्रीगेशन के कम चांसेस रहते हैं और होमोजेनिटीज जो है होमोजेनिटी प्रॉपर्टीज जो है लॉस होने के भी कम चांसेस रहते हैं। उसके बाद थर्ड है फ्रेंड्स हाईली वर्केबल कंक्रीट। हाईली वर्केबल कंक्रीट वहां पे यूज होता है फ्रेंड्स जहां पर हमारे को कॉम्पैक्शन की जो इफेक्टिव कॉम्पैक्शन है वो करने में हमें बहुत दिक्कत है, मतलब जो हमारा जो एरिया है वो बहुत कन्फाइंड है, वहां पर हमें नीडल्स वगैरह डालने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। बट इसकी जो है इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं डिसएडवांटेज है फ्रेंड्स, ये जो है इसमें हम लोग सेग्रीगेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है फ्रेंड्स, इसमें सेग्रीगेशन जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है और सेग्रीगेशन चांसेस और हमारा लॉस ऑफ होमोजेनिटी जो है वो भी हमारे को उसका भी खतरा होता है कि लॉस ऑफ होमोजेनिटी प्रॉपर्टीज जो है उसकी कंक्रीट की खत्म हो जाए। तो फ्रेंड्स ये हमारा छोटा सा वीडियो था, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा स्लम वैल्यू के ऊपर। इसके बाद भी आगे भी हम लोग स्लम वैल्यू के ऊपर और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर